की जेब से पलक झपकते मोबाइल चुराने वाले व रेलवे के आस पर टिकट घर में टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का जीआरपी पुलिस ने पर्दाफाश किया। तीन आरोपी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। आज जीआरपी पुलिस ने प्रेस वार्ता करके बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश डीके मौर्य के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर ट्रेनों की चोरी, लूट, छिनैती, जहरखुरानी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह मजार की तरफ हैं। चेकिंग के दौरान इलाहाबाद के प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक ही गांव के तीन आरोपी को पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनके पास से 42 मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियुक्त की एक ही गांव के ही हैं जो तीन पहाड़ी जिला साहबगंज झारखंड के रहने वाले हैं, जो कि प्रदेश स्तर पर गैंग बनाकर ट्रेनों शहरों में चोरी, लूट, छिनैती, जहरखुरानी आदि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त लड्डू नुनिया गैंग के काम करने वाले हैं। इनका लीडर लड्डू नुनिया है। अभियुक्तों की माने तो इन लोगों को गैंग में काम करने के लिए 15,000 रुपये महीने के हिसाब से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि चोर दूसरे चोर को तनख्वाह में रख कर काम करवाते हैं। लड्डू नुनिया जो कि गैंग का लीडर है, वह स्वयं भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहता है। ये सभी शहरों में किराए के मकान लेकर निवास करते हैं तथा शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाकर मोबाइल चोरी, अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। किस तरह की गैंग थी, क्या काम करते थे? ये विगत 2-3-4 दिनों से ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ के रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में, उसके अलावा टिकट घर के आसपास जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, वहाँ काफ़ी लोगों की मोबाइलें चोरी हो जा रही हैं। कई शिकायतें थाने पर पंजीकृत भी हुई हैं। इस पर हम लोगों ने एक QRT टीम का गठन किया और QRT टीम को इसी बात के लिए लगाया कि इन भीड़ भाड़ स्थानों पर घूमते रहें और ऐसे लोगों को लोकेट करें जो संदिग्ध लोग हों। उसके बाद QRT ने जब ये अपना काम प्रारंभ किया तो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने लोकेट कर लिया और तीनों को रंगे हाथ मौके से गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों झारखंड के निवासी हैं और ये तीनों लगातार मोबाइल चोरी में सक्रिय हैं। इनके यहाँ से कुल 42 महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं, जो इन स्टेशनों पर, उनके आसपास के और शहर के आसपास के भीड़ भरे इलाकों से इन्होंने चोरी किया है। तरीका क्या था इनका? तरीका ये था कि बस ये भीड़ भाड़ में स्थान का फायदा उठाते थे और एक पन्नी लगा करके या उनके थोड़ा सा असावधानी का फायदा उठाते हुए धीरे से 2 उंगलियां डालकर वो मोबाइल धीरे से निकाल लेते थे। एक मोबाइल निकालता था जो लाइन में लगा रहता था, वो अपने साथी को देता था, वो लेके चला जाता था, वो कुछ देर बाद लाइन से अलग हो जाता था। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो गैंग लीडर है उसने अपने साथ 2 आदमियों को रख रखा है जिनको प्रति माह वो 15,000 रुपया पे करता है। इस बात के लिए कि तुम मोबाइल चोरी करो। जब मोबाइल ज़्यादा संख्या में उनके पास इकट्ठी हो जाती थी तो वो फिर अपने देहात क्षेत्र में, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में चले जाते थे, वहाँ इन मोबाइलों को बिक्री कर देते थे। लेकिन चोर भी रोजगार देने लगे? हाँ, चोर भी, चोर खुद चोर को वेतन पर रखे हुए हैं। ये है।